दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप BPSC मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारा इस सीरीज से संबंधित अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न। तीन राजधानियों वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आखिर तीन राजधानी क्यों चाहता है, विस्तार में बताएं। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा यहाँ से आपके विभिन्न प्रकार के आगामी आने वाली परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों का भी संग्रह किया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का जो हमारा प्रश्न है, तीन राजधानियों वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, आखिर तीन राजधानी क्यों चाहता है, विस्तार में बताएं। तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जिसकी तीन राजधानी बनेगी। और यहाँ पे बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो चलिए मैं आपको आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी है जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो इस प्रकार से है कि आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, और अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, और आगे है उच्च न्यायालय, तो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर बात करें राज्यभाषा की तो राज्यभाषा तेलुगु है, राज्य प्रतीक है पूर्ण कुंभ, राज्य के पशु है चिंकारा, और राज्य के पक्षी है नीलकंठ, और राज्य के पेड़ की बात करें तो नीम है यहाँ के राज्य के पेड़, और राज्य के खेल है कबड्डी, तथा राज्य के नृत्य है कुचिपुड़ी, और आगे और अंतिम है राज्य के फूल है कुमुद। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं आंध्र प्रदेश के बारे में जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो हम इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 20 जनवरी 2020 को राज्य में तीन राजधानी बनाने के संबंधी बिल को मंजूरी दे दी है। YS जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो YS जगन मोहन रेड्डी सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी के बाद यह बिल विधानसभा में पेश किया था, और इस बिल के अनुसार विशाखापत्तनम को कार्यकारी, अमरावती को विधायी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा। आप इसे ध्यान रखेंगे ये तीन जगह है विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल, तो विशाखापत्तनम को कार्यकारी और अमरावती को विधायी तथा कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, आगे है विधान परिषद से इस बिल के पास हो जाने के बाद आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जिसकी तीन राजधानियां होगी। सरकार इस कदम को राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु जरूरी बता रही है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हालांकि सरकार के इस कदम का विरोध भी शुरू हो गया है, इससे पहले देश में किसी राज्य की अधिकतम दो राजधानियां रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश अपनी राजधानियों के मामले में पहला अनोखा राज्य होगा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सारे परीक्षा उपयोगी तथ्य है जिसे कि आपको ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार तीन राजधानी क्यों चाहती है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि आंध्र प्रदेश सरकार तीन राजधानियां क्यों चाहती है। तो दोस्तों YS जगन मोहन रेड्डी जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो YS जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 20 जनवरी 2020 को विधानसभा में तीन राजधानी बनाने वाले प्रस्ताव को पेश किया था और जिसे कि मंजूरी मिल गई है। और फिर आगे है नए प्रस्ताव के मुताबिक मुख्यमंत्री का कार्यालय, राजभवन और सचिवालय समेत कई सरकारी दफ्तर अब विशाखापत्तनम में शिफ्ट होंगे, और हाईकोर्ट कुर्नूल में शिफ्ट किया जाएगा, और वहीं पर आंध्र प्रदेश विधानसभा अमरावती में होगी। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। और आगे है तीन राजधानी वाला अवधारणा के पीछे आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि वे देश के तीनों क्षेत्रों में उत्तरी तट, दक्षिणी तट तथा रायल सीमा का समान विकास चाहती है। तीन राजधानियों के पीछे का जो उद्देश्य है, तो सरकार का कहना है कि वे प्रदेश के तीनों क्षेत्रों में जैसे कि उत्तरी तट, दक्षिणी तट और रायल सीमा का समान विकास चाहती है। तो इस वजह से आंध्र प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि आंध्र प्रदेश का तीन राजधानी बनाया जाएगा, विशाखापत्तनम, कुर्नूल और अमरावती। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि विशाखापत्तनम में कार्यालय, राजभवन और सचिवालय समेत कई सरकारी दफ्तर शिफ्ट होंगे, और वहीं पर हाईकोर्ट कुर्नूल में होगा और विधानसभा अमरावती में होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसे कि आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, किसानों ने किया विरोध। दोस्तों आंध्र प्रदेश में तीन राजधानी बनाने के फॉर्मूले को लेकर किसानों में गुस्सा है, वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने अमरावती में इसके विरुद्ध रैली भी निकाली है। और आगे है, राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इसके विरोध में आवाज़ उठाई है। कैबिनेट की इस बैठक के पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने TDP नेताओं के साथ विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि ये जो तीन राजधानी बनाने का जो फॉर्मूला है इसको लेके किसानों में काफ़ी विरोध है, और इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और जगह जगह पर रैलियां भी निकाली गई थी, और इसके विरुद्ध में
यहाँ के आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। ये सारी चीज़ें हैं जिसे आपको याद रखना है। और दोस्तों आगे है, आंध्र प्रदेश ने हर बार किया राजधानी से समझौता। आंध्र प्रदेश को प्रत्येक बार सीमा बदलने के साथ ही राजधानी से समझौते करना पड़ता है। साल 1953 में जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ था तो मद्रास तमिलनाडु में चला गया था, और इसी तरह साल 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बनने पर हैदराबाद तेलंगाना की सीमा में आ गया था। जब भी इसका बंटवारा होता है तो आंध्र प्रदेश को राजधानी बदलना पड़ता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, और यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि एग्जाम में बन सकते हैं आंध्र प्रदेश से, तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहला है कि भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो गुजरात में है, जो कि समुद्र तट की लंबाई है 1600 किलोमीटर। और वहीं पर अगर दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर हमारा आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा, और इसकी लंबाई जो है 972 किलोमीटर है। और तीसरा पॉइंट है, आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, और यहाँ की फसल का 77% से भी ज़्यादा हिस्सा चावल होता है। और इस राज्य में दो प्रमुख नदियाँ हैं, गोदावरी और कृष्णा नदी, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पे हमारा पिछला वीडियो था 43वां प्रश्न, वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड से संबंधित। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें, वे आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर इस वीडियो से ज़रा सी भी आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।